अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महकुल। आई होप ऑल इज़ वेल विथ यू गाइस। सो द टॉपिक ऑफ माय वीडियो इज़ हाउ टू डू शॉर्ट लिस्टिंग एंड मेकिंग नोट्स फॉर एमडीकेट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ओनली व्हेन यू प्रेस द बेल आइकन यू विल बी नोटिफाइड बाय ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। इफ यू वांट टू फुली अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स प्लीज़ वॉच माय कंप्लीट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शॉर्ट लिस्टिंग का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जो हम कोचिंग में या जो भी हम क्लासेस ले रहे होते हैं, वो जिस बुक से हम रीड कर रहे होते हैं, जिन नोट्स हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके बराबर में ही वो सारे वर्ड्स जो कीज वर्ड्स होते हैं उन्हें लिख लेना चाहिए। इससे फिर ये होता है कि जब भी किसी टॉपिक को वापस रिवाइज करना होता है तो वो जो वर्ड्स हमने उस टॉपिक के बराबर में हमने हाईलाइट किए हुए होते हैं या लिखे हुए होते हैं, वो हमें उसी वक्त मेमोराइज हो जाते हैं। स्पेशली फॉर बायोलॉजी, क्योंकि जो हम बायोलॉजी की रीडिंग करते हैं या उसकी प्रिपरेशन करते हैं, वो हम डिफरेंट बुक्स से और डिफरेंट सोर्सेज से कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जब बुक को रीड कर रहे होते हैं जो हमारी अपनी प्रोविंस की होती है, अगर हम उसमें किसी टॉपिक को पढ़ रहे हों और वही टॉपिक किसी और बुक में भी हो और किसी और बुक में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो हम उसे अपनी ही प्रोविंस की बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमें बार बार दूसरी बुक्स को पढ़ना नहीं होता और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। और मैंने भी ड्यूरिंग एमडीकेट प्रिपरेशन इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और इन द एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हुआ था। अब बात आती है हाईलाइट करने की। तो बायोलॉजी की बुक में आप जितना हाईलाइट कर लो उतना कम है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। अब हम शुरू में क्या करते हैं कि हमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा होता है उसको हाईलाइट करो, तो उसको हाईलाइट करो, तो ऐसे करते करते हमारे पेज पूरे हाईलाइटर से भर जाते हैं। बायोलॉजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसको हमें पूरा वापस से नहीं पढ़ना होता। हमें एक एक पॉइंट वापस से पढ़ना होता है, हाईलाइट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें अगेन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगेन वही कहूँगी, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि जिसको हम हाईलाइट कर कर करके अगेन से वही हाईलाइट हुए हुए पॉइंट्स को पढ़ें। पढ़ना हमें फिर भी बायोलॉजी में सब कुछ होता है, लेकिन बायोलॉजी में हम ये कर सकते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हमें मुश्किल लगते हों उसे हम एक जगह पर नोट डाउन कर लें। जैसा कि मैंने भी एंड में यही किया था कि जब मैंने बायोलॉजी की 3-4 बार बुक्स को रीड कर लिया था और ये नोट किया कि मैं किन पॉइंट्स में इसके बावजूद वीक हूँ, उन्हें मैंने एक रजिस्टर में, वो एक अलग से मैंने रजिस्टर लिया और उसको मैंने सिर्फ बायोलॉजी का बनाया, उस पर मैंने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया, उन पॉइंट्स को जो मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगते थे, उन पॉइंट्स को नोट करके फिर ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं उन चैप्टर को प्रिपेयर करने अगेन लगती थी, टेस्ट देने लगती थी या कुछ भी करती थी, तो अगेन मुझे पूरे चैप्टर को पढ़ने की नीड नहीं होती थी, क्योंकि मैंने जो बुक में रीड किया होता था उनमें तो मैं ऑलरेडी स्ट्रांग होती थी, ऑलरेडी मेरे जो कॉन्सेप्ट्स होते थे वो स्ट्रांग होते थे। जब मैं उन पॉइंट्स को भी पढ़ लेती थी जो मेरे वीक होते थे, वो मेरे स्ट्रांग हो जाते थे जो कि मैंने नोट किए होते थे। क्योंकि जो पॉइंट्स स्टूडेंट खुद नोट करता है वो भूलने में टाइम लगता है, मतलब वो ईजिली इंसान नहीं भूल सकता, और यही हमारे टीचर्स भी कहते थे, कुछ स्टूडेंट्स लापरवाही की वजह से, लेज़ी होने की वजह से खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। बट मैं आपको यही कहूँगी कि अपने नोट्स बनाओ, अपने हाथ से अपना सब कुछ बनाओ। बुक्स तो पढ़नी ही होती हैं, लेकिन जो अपना लिखा हुआ होता है ना, उसकी बात अलग होती है, वो ईज़िली याद हो जाता है। फिज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप जो इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं चैप्टर्स की, उन्हें एक तरफ नोट डाउन कर लें और हर चैप्टर के फार्मूलाज को एक साइड पर लिख लिया करें, यानी कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए करें उसके एंड में उसके सारे फार्मूलाज नोट डाउन कर लिया करें, या रजिस्टर में एक ऐसा कॉलम बना लें जहां पर आप फिज़िक्स के सारे फार्मूलाज को नोट डाउन कर लें। क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें अगर किसी चीज़ को देखना होता है या रिवाइज़ करना होता है तो वो बेसिकली फार्मूलाज होते हैं और कुछ नहीं, और बाकी जो फिज़िक्स होती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है। और जब एक जगह पर ही हमें सारे फार्मूलाज लिखे हुए मिलेंगे तो ईज़िली वो अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी वो वैल्यूज़ जो लर्न करनी होती है, मेमोराइज़ करनी होती है, उन्हें भी एक जगह अलग साइड पर नोट कर लेना चाहिए, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉइलिंग पॉइंट्स और डिफरेंट फ्लेम कलर्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर्स और केएसपी वैल्यूज़ एक्सेट्रा, ये सब अलग से नोट डाउन करके याद कर लेनी चाहिए
क्योंकि एंड में फिर हमें इन्हीं को ही रिवाइज करना होता है, पूरे पूरे नोट्स को नहीं पढ़ना होता, ये शॉर्ट लिस्टिंग ही हमारे काम आती है। एंड फॉर एमडीकेट नोट्स यू शुड हैव टू मेक योर ऑन हैंड रिटन नोट्स। ट्रस्ट मी गाइज, ये हैंड रिटन नोट्स ही एंड में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होते हैं। अब ये बनाने कब होते हैं, जब हम कोई लेक्चर लेते हैं किसी टीचर से, तो उसी वक्त आप उसके हैंड रिटन नोट्स रेडी कर लो, ठीक है। वही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स होते हैं एमडीकेट के लिए। इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए अगर आप कोई लेक्चर्स ले लें और आपके पास कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक हो तो डैट्स इनफ। एज आई ऑलरेडी मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर एमडीकेट, किप्स की बुक आप इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसी में ही सारे रूल्स वगैरह और प्रैक्टिस सब कुछ उसी में ही हो जाती है। अगर आप मेरे बताए हुए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं सो बिलीव मी आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे इन दी एंड, क्योंकि ये सारे स्टेप्स मैं खुद भी फॉलो कर चुकी हूँ और अपने NMDCAT को क्रैक कर चुकी हूँ। फर्दर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो MDCAT से रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट, सो प्लीज़ शेयर दिस video with your friends too. Thanks for watching.